यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट के लिए हाल ही में किए गए एफएसएसटी ने समुद्र में 3.9 तीव्रता का भूकंप पैदा किया। अमेरिकी नौसेना ने शुक्रवार को यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट अपने लेटेस्ट और सबसे एडवांस परमाणु संचालित विमानवाहक पोत पर एक फुल शिप शॉक ट्रायल किया, जिसमें जहाज के पास कुछ मीटर की दूरी पर लगभग 18 टन विस्फोटकों का विस्फोट किया गया, ताकि इसकी कठोरता सुनिश्चित की जा सके कि ये युद्ध की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है या नहीं। यूएसएनआई समाचार के अनुसार मेगा ब्लास्ट ने तटीय राज्य फ्लोरिडा से लगभग 160 किमी दूर समुद्र में 3.9 तीव्रता का भूकंप शुरू किया और अमेरिकी सेना द्वारा जारी परीक्षण की वीडियो तब से यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी नौसेना ने जीवित विस्फोटकों का उपयोग करके नए जहाज डिजाइनों का शॉक ट्रायल किया है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि हमारी युद्धपोत युद्ध में सामना करने वाली कठोर परिस्थितियों में मिशन की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है या नहीं। FSST यानी कि फुल शिप शॉक ट्रायल क्या है? द्वितीय विश्व के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों को दुश्मन की खानों और टॉर्पीडो से गंभीर नुकसान हुआ था, जो वास्तव में अपने लक्ष्य से चूक गए थे, लेकिन पानी के भीतर विस्फोट होने के कारण अमेरिकी नौसेना ने तब से इस तरह के निकट मिस विस्फोटों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने जहाज प्रणालियों के शॉक प्रूफिंग में सुधार करने के लिए काम किया है। FSST में एक पानी के नीचे विस्फोटक चार्ज, जो कि एक परिचालन जहाज के पास सेट किया जाता है और इसकी मदद से सिस्टम और घटक विफलताओं का पता किया जाता है, जैसा कि 2007 के विशिष्ट अमेरिकी वैज्ञानिकों के जेसन समूह द्वारा इस विषय पर दस्तावेज के अनुसार किया गया था। FSST जांच करता है कि क्या घटक जहाज पर अपने वातावरण में झटके से बचे हैं या नहीं। यह सिस्टम विफलताओं की संभावना और बड़े घटकों की जाँच करता है, जिन्हें अन्यथा परीक्षण नहीं किया जा सकता। दस्तावेज कहता है कि इस तरह के परीक्षण आमतौर पर उन जहाज़ों पर किए जाते हैं जो निर्मित होने वाले नए वर्ग के पहले होते हैं, जैसे गेराल्ड आर फोर्ट। अमेरिकी नौसेना ने परीक्षण को सफल कहा, क्योंकि फोर्ट अटलांटिक महासागर में शक्तिशाली विस्फोटक का सामना करने में सक्षम थी। इस तरह का अंतिम परीक्षण 1987 में USS थायोडोर रूजवेल्ट CVN-71 पर हुआ था। डिफेंस न्यूज़ के अनुसार यह तीन में से पहला था। एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर उत्पन्न युद्धपोत 333 मीटर लंबा, 77 मीटर ऊंचा है और इसमें 2 परमाणु रिएक्टर हैं और 4 शॉफ्ट शामिल करते हुए 1,00,000 टन पूर्ण भार का विस्थापन है। यह गेराल्ड आर फोर्ट वर्क का प्रमुख जहाज है और 2017 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कमीशन किया गया था। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि परीक्षण क्षेत्र में समुद्री जीवन के ज्ञात प्रवासन पैटर्न का सम्मान करते हुए एक संकीर्ण कार्यक्रम के भीतर शॉकिंग परीक्षण किए जा रहे हैं, जो पर्यावरणीय शमन अवस्थाओं का अनुपालन करते हैं। इस गर्मी के अंत में FSST के पूरा होने पर फोर्ड अपने ऑपरेशनल रोजगार से पहले 6 महीनों के लिए मॉडर्नाइज, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए एक नियोजित वृद्धिशील उपलब्धता में प्रवेश करेगी।